या फिल्म में रियल गैंगस्टर को बनाया गया हीरो, कैसे फिल्म ने मिर्जापुर जैसे शो को भी पीछे किया, कैसे हुई कोलार फील्ड बंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बालीग्रैड स्टूडियोज में। सिनेमा ने लोगों को कई सालों से एंटरटेन किया है और आज का सिनेमा हमें एंटरटेन के साथ साथ बहुत कुछ सिखाता भी है। पर कहते हैं ना, हमेशा कोई चीज पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। वैसे ही हमें सिनेमा में बहुत सी ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो कि लोगों पर गलत असर डालती है। हाल ही में बॉलीवुड में हमें बहुत सी बायोपिक्स देखने को मिली और उन सभी बायोपिक में एक चीज कॉमन थी और वो है हर किसी को हीरो की तरह दिखाना, भले ही वो कोई गैंगस्टर ही क्यों ना हो। जी हाँ, बात करें KGF की तो हमें फिल्म में रॉकी भाई की कहानी देखने को मिली और रॉकी भाई के किरदार को काफी लोग पसंद भी करते हैं। इतना पसंद कि अगर कोई उनके खिलाफ भी बोल दे तो वो नहीं सुन सकते। पर रियल स्टोरी की तरह अगर आप फिल्म को देखें तो रॉकी भाई भी एक गैंगस्टर हैं जिसने गुंडों को मारा ताकि वो गुंडा बन सके। असल में KGF में भी हमें यही सिलसिला जारी देखने को मिल सकता है और लोगों को ये काफी पसंद भी आएगा। पर अगर इसके पीछे की असली कहानी लोग सोचें तो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। वैसे तो फिल्म ने अभी तक सभी हिंदी, तेलुगु, मलयालम हर भाषा की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है, पर साथ ही साथ फिल्म ने सेम जोनर में बनी वेब सीरीज को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। बात करें अमेजोन के मशहूर शो मिर्जापुर की तो उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही जोनर देखने को मिलता है। पर इसके बावजूद फिल्म KGF को लोगों ने ज्यादा प्यार दिखाया। इसकी वजह हो सकती है कि फिल्म और वेब सीरीज की लेंथ और साथ ही फिल्म के अंदर रॉकी का किरदार कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है जो लोगों को काफी पसंद आता है। और साथ ही KGF को बच्चे, बूढ़े, जवान सबने अपने परिवार के साथ एंजॉय किया है। पर मिर्जापुर जैसी सीरीज को लोग परिवार के साथ देखना पसंद नहीं करते क्योंकि फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई है। ऐसे में KGF भी हमें मिर्जापुर और बाकी सेम जोनर की सीरीज और फिल्म से आगे निकलती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में अगर आप भी निकलना चाहते हैं अपने करियर में आगे और जुड़ना चाहते हैं सिनेमा से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म की कहानी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, ये अब तक तो सभी जान चुके होंगे। जी हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड नाम की जगह साउथ में आज भी एग्जिस्ट करती है, पर लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए जिसके बाद गवर्नमेंट ने 2001 में KGF को बंद कर दिया गया और इसकी वजह थी बढ़ता क्राइम और एनवायरमेंट में प्रदूषण। पर फिल्म KGF में हमें इसका अलग ही एंगल देखने को मिला है जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है, पर फिल्म का कैरेक्टर काफी हद तक साउथ के एक गैंगस्टर से मिलता जुलता है। और जैसे कि हमने बताया, साउथ में KGF नाम की जगह सच में एग्जिस्ट करती है। ऐसे में KGF 3 में भी हमें ऐसे ही रियल स्टोरी और फिक्शनल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म के तीसरे पार्ट में भी रॉकी करेगा अपने दुश्मनों को पीछे और जीत लेगा पूरी दुनिया? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।